लाइफ के हर कदम पे, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, कुछ करने की कुछ ना करने की, कुछ अच्छा करने की कुछ बुरा करने की, सही रास्ते पे चलने की गलत रास्ते पे चलने की। आपको सिर्फ इतनी सी चीज समझनी है कि आपकी लाइफ जो आप चाहते हो या जो आपके सपने हैं उसके बेस पे डिसाइड नहीं होने वाली कि आप कितने सक्सेसफुल हो गए कितने फेल हो गए, वो डिसाइड होने वाली है छोटी छोटी चॉइसेस के बेस पे। हम क्या करते हैं, हम हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचते रहते हैं कि एकदम से कुछ बड़ा हो जाए, एकदम से कुछ बड़ा होने लग जाए। अरे ना भाई, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। छोटी छोटी जो लाइफ में चॉइसेस आ रही है ना, दिन में हजारों चॉइसेस आती हैं, कोशिश करो बड़ी चॉइसेस को छोड़ो, छोटी छोटी चॉइसेस पे खड़े उतरो, अपनी नजर में उठो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया वो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। दिन में हजार डिसीजन नहीं लेने आपको, कम लो, एक लो, छोटे से छोटा लो, छोटे से छोटा डिसीजन, लेकिन उसको पूरा कर। अगर एक कमिटमेंट किया अपने आप से, उस कमिटमेंट को पूरा करना है। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं बिजनेस में या किसी भी फील्ड में, एक बात पक्की है कि वो सब अपनी बात के पक्के हैं, कभी भी देख लेना। तो छोटे कमिटमेंट्स करो, उन छोटे कमिटमेंट्स को पूरा करते चले जाओ, उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते चले जाओ, बजाय बड़े गोल सेट करने के। तो धीरे धीरे छोटे अपने आप कब बड़े हो जाएंगे वो पता भी नहीं लगेगा। भगवान की प्रॉब्लम पता है क्या है इस युग में, उसके पास में फिट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिनके थ्रू वो अपना काम कर सके। जैसे जैसे ये डिजायर आपके अंदर पनपेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, कब कर पाओगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो 24 घंटे, तो आप किसी का क्या भला करोगे? आप उसकी आंख में झांक करके देखोगे और अपने फायदे के बारे में सोचोगे? क्या भला करोगे किसी का? नहीं कर सकते। वो सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए, कह रहे मर जाऊंगा कट जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, खुद को जला दूंगा तपा दूंगा लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। अपने ध्यान को ऐसी जगह से हटाना होगा जो ध्यान आपका खींच रहे। वो सब कैसे होगा? सिर्फ एक छोटे से बीच से। मुझे कुछ करना है, कुछ भी करने के लिए मुझे कुछ बनना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है जिस भी फील्ड में मैं जाने वाला हूं, चाहे मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, इंजीनियर बनने वाला हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, कुछ भी बनने वाला हूं, इस हद तक अपना एफर्ट डाल दूंगा उस काम के अंदर अंदर जो आज तक किसी ने नहीं लगाया होगा। कि डिफरेंट क्या करें, अपने पोटेंशियल को कैसे पहचाने, कुछ अलग करें तो क्या करें? आप कहते हो अलग करो अलग, तो अलग क्या करें? तो किसी भी फील्ड की कोई लिमिट नहीं है, बस विजन चाहिए होती है बड़ी। अगर एक आइडिया दूं तो जितना आप पूरी जिंदगी में कमाने का सोच रहे हो, अगर मैं फाइनेंशियली भी बात करूं, उतना एक महीने में कमा सकते हैं। इसमें जो थ्रिल है, इसमें जो एडवेंचर है, जो मजा है, दुनिया के किसी एडवेंचर स्पोर्ट में नहीं है। मतलब कि हम हाथ पैर मार रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। ग्रो तो करना ही है ना, कुछ तो करना ही है ना। अपनी लाइफ बनाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। इसमें मजा है ज्यादा या बैठ करके बस 3 घंटे का पिक्चर देख रहे हो खुश होकर के बाहर आ गए? मतलब लाइफ को ऐसा बनाओ, एक बर्डन की तरह मत देखो अपनी लाइफ को, जैसा कि सब आपके आसपास में लोग और घर वाले चाहते हैं कि आप ऐसा मानो कि लाइफ एक बर्डन है, एक रेस है, एक कॉम्पिटिशन है, आपको ज्यादा मार्क्स लाने हैं, आपको ये करना है, आपको ऐसे मत देखो लाइफ। ठीक है, जबरदस्ती अगर आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा है वो करना पड़ रहा है, करो, लेकिन साथ साथ में कुछ तो हाथ पैर मारो ना। लाइफ में आगे जाकर के ये रिग्रेट तो ना रहे कि मैंने कभी कुछ ट्राई नहीं किया। लोग वही करेंगे जो सब कर रहे हैं। आप अकेले दिख रहे होंगे दूर दूर तक जो ऐसा कुछ कर रहे हो। अलग करने का दम होता नहीं है लोगों के अंदर। अगर आप जेन्युइनली कुछ ऐसा कर गए तो ये मत समझना आप सिर्फ अपने लिए कुछ कर रहे हो। आप लाखों जो इंडिया में स्टूडेंट्स हैं या जो और आपके जैसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, उनके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल रहे हो जिसके बारे में अभी किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि ऐसे ही एग्जाम्पल्स हमको चाहिए एक्चुअल में सोसाइटी के अंदर। ऐसे हीरो नहीं चाहिए AIR1, समझ गए उनको? क्योंकि चढ़ते सूरज को सलाम है, पैसे को सलाम है। अगर आप यहां से फाइनेंशियली सक्सेसफुल हुए तो आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा बाकी सबको। तो अगर आपने रेस से कुछ अलग किया और फिर आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं इस दुनिया में, तो आप एक असली हीरो। तो आपको देखना है आपको कैसा बनना है। इससे होता क्या है, हमको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलती है। यही लाइफ का पर्पस है। कुछ